रेवाड़ी की होनहार बेटी शिवांशी यादव का इसरो में हुआ चयन। परिवार समेत आसपास के लोगों में खुशी का माहौल। शिवानी ने अपनी सफलता का श्रेय दिया माता पिता गुरुजनों के मार्गदर्शन को। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर दी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज। रेवाड़ी की होनहार बेटी शिवांशी यादव का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में चयन हुआ है। ऑल इंडिया में 10 उम्मीदवारों की चयन सूची में एक नाम रेवाड़ी की होनहार बेटी शिवांशी यादव का है, जो मूल रूप से कोसली के खुशपुरा गांव की रहने वाली हैं और अभी रेवाड़ी के सेक्टर 4 में अपने परिवार के साथ रह रही हैं। शिवांशी ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने कठिन परिश्रम के साथ अपने माता पिता व गुरुजनों के मार्गदर्शन को दिया है। शिवांशी यादव की इस उपलब्धि से परिवार समेत जिले में खुशी का माहौल है। परिवार और आसपास के लोग शिवांशी को बधाई देने के साथ मिठाई खिलाकर उसे मुबारकबाद दे रहे हैं। शिवांशी अब 1 साल के लिए इंडिया से 1 साल नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी से ITC में मास्टर डिग्री करेंगी। शिवांशी यादव ने चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार से शिक्षा ग्रहण की है। शिवांशी उन 10 भाग्यशाली विद्यार्थियों में से एक है जिसका इसरो में चयन हुआ है। शिवांशी ने प्राइमरी की पढ़ाई रेवाड़ी से जबकि सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाई झज्जर से की है। बीटेक के लिए HAU में चयन हुआ था। शिवांशी के पिता विजय यादव मेवात में सहायक कृषि अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, जबकि माता पुष्पा देवी गृहिणी हैं। शिवांशी ने कहा कि उसने शुरू से ही परिश्रम किया और माता पिता के साथ गुरुजनों को मार्गदर्शन उनको बार बार मिलता रहा, जिसके चलते उसने यह मुकाम हासिल किया है और आगे भी वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहेंगी। माँ पुष्पा और दादी ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है जिसने उनका नाम रोशन किया है। शिवांशी के दादा की भी इच्छा थी कि शिवांशी बहुत आगे तक जाए, लिहाजा शिवांशी ने यह कर दिखाया है और अपने साथ अपने जिले और प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। शिवांशी उन लोगों के लिए भी एक संदेश है जो बेटियों को बोझ मानते हैं और उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। इस मौके पर हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने शिवांशी यादव, उनकी मां पुष्पा यादव व उनकी दादी से बात की, तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। हमें अच्छी तरह से पढ़ो, खूब पढ़िए, अच्छी मेहनत करिए और खूब सबकी। शिवांशी यादव की मदर हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी बेटी ने इतना ऊंचाई पे गई, इसरो में गई है। इसरो में जाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इसके लिए हमें पूरे परिवार को हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी बच्ची ने हमारे सपने पूरे करे। खासकर तौर पर इसके दादाजी का सपना था कि भी हमारे बच्चे भी बहुत ऊंचाई तक पहुँचे और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही अपनी ऊंचाइयों को रिसर्च में जाए, आगे देश के लिए और अच्छा काम करे। इसके दादा दादी नाना नानी इसके पूरे परिवार ने इसको बहुत अच्छा सहयोग दिया है और इसके यूनिवर्सिटी में इसके DN सर टीचर्स ने भी इसको बहुत मोटिवेट करा है। टाइम टाइम पर इसको मोटिवेट किया है कि ये करना है, ये टेस्ट देना है, इसमें रिसर्च करना है, तो उससे बच्चे को बहुत सहयोग मिलता है। सभी बच्चों को ये भी यही संदेश है कि भाई अपना मेहनत करो, मेहनत कर जो होती है उससे बच्चा कभी बेकार नहीं जाती मेहनत। मेरा नाम शिवांशी यादव है। मैंने अभी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से अपनी बैचलर्स कंप्लीट करी है और अभी मास्टर्स के लिए मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इसरो देहरादून में सिलेक्शन हुआ है। ये 2 साल का कोर्स है जिसमें से 1 साल मेरा देहरादून में होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इसरो और जो सेकेंड ईयर है मेरा वो ITC यूनिवर्सिटी ऑफ ट्विंट इन नीदरलैंड से होगा। यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मैं हमारे यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर BR कंबोज, डीन, डायरेक्टर्स, मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स और मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स, उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे हर टाइम हर जगह
सपोर्ट किया, गाइड किया, मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए हौसला दिया, हमेशा मेरे अप्स एंड डाउन्स में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और स्पेशली मैं मेरे दादा दादी का भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरे दादाजी का सपना था कि उनके बच्चे आगे बढ़े, उनका नाम रोशन करे, सो आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं उनका ये सपना पूरा कर पाई। थैंक यू। इस जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इसरो देहरादून, उनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। बट इस बारी कोविड की वजह से इंटरव्यू था और इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है अब इस बारी मेरा। और इसमें मतलब जियो इन्फॉर्मेटिक्स साइंसेज एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन के ऊपर मैं MSc करूँगी। इसके अंदर GIS, रिमोट सेंसिंग, GPS, ये सारी चीज़ें हम अपने एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करते हैं सैटेलाइट की हेल्प से, ये सब चीज़ें बताएंगे। बेसिकली मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के गांव खुशपुरा की रहने वाली हूँ और मेरे फादर जो हैं वो सेम फील्ड में हैं, वो AA हैं मेवात के अंदर। तो उनको देख के मेरे को प्रेरणा मिली कि मुझे एग्रीकल्चर में ही जाना है और वहीं पे ही कुछ उसी फील्ड में कुछ करना है। ऑल इंडिया 10 सीट होती हैं इसके अंदर और उन 10 बच्चों में से एक मेरा नाम है। हाँ, मैं मानती हूँ क्रेडिट तो मैं सबको ही देना चाहूँगी, पेरेंट्स को, मेरे VC सर डॉक्टर BR कंबोज को, डीन डायरेक्टर, टीचर्स, मेरे फैमिली मेंबर्स जिन्होंने हमेशा सपोर्ट करा और आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करा मुझे।